really did it? क्यों? गलत किया क्या मैंने? I thought only ये outfit बहुत ज़्यादा है. बेचारा. बोलो ना. क्या बोलो भाई एकदम सही किया तुमने. In fact, I am surprised कि तुमने इतना mature behavior कैसे किया यार. ना तुम उसपे चिल्लाई, ना उसे डांटा, ना उसे punishment दी. I'm actually impressed यार. Be honest. जी तो कर रहा था कि तीन थप्पड़ लगाऊं उसे. फिर मैंने realize किया कि अब राहुल बड़ा हो गया है. और जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं ना उनकी प्रॉब्लम्स चेंज हो रही हैं और उनके साथ डील करने का तरीका हमें चेंज करना चाहिए. By the way, न्यू कूल नेहा सिर्फ बच्चों के लिए है या हस्बैंड के लिए भी कुछ न्यू कूल चीजें हैं? नहीं, हस्बैंड के लिए पुरानी वाली नेहा ही काफी है जो डांटती भी और पीटती भी है. या या नॉट फेयर. कौन कॉल कर रहा है? फैटी तो मैं बात. हाय फैटी, हाउ आर यू? कब कहाँ के? हाँ हाँ विक्रम मेरे साथ ही है. हाँ ओके ओके हम पहुंच रहे हैं पुलिस स्टेशन. ओके यू डोंट वरी. अरे लेकिन आपके शर्मिंदा होने से ये सब कुछ वापस से ठीक तो नहीं हो जाएगा ना? 5 साल से आप लोग उसे ढूंढ रहे. हमने उसे ढूंढ कर लिटरली आपके हाथों में सौंप दिया और फिर भी आपने उसे जाने दिया. I mean, this is ridiculous. सिर्फ 12 घंटे दीजिए हमें. सारे पुलिस स्टेशन में खबर दी जा चुकी है. पूरे शहर में रेड अलर्ट है. हम उसे जल्दी ही गिरफ्तार कर लेंगे और एक टीम ऑलरेडी कपूर मेंशन पहुंच चुकी है. आपको लगता है वो बेवकूफ है? उसको पता होगा ना कि सबसे पहले आप वही ढूंढेंगे. एक्चुअली सुनिए, एक काम करिए. एक बहुत पुराना तहखाना है कपूर मेंशन के नीचे जो काफी सालों से लॉक्ड है. पता नहीं शायद वो वहां छुपने की कोशिश करे. आई डोंट नो यार. ओके सर. हर कमरे की तलाशी लो. कोना कोना छान मारो. यही छुपा होगा. मैडम जी, मैं पता लगा है कि इस घर में तहखाना है. जी तहखाना? बेसमेंट. जी वो जी वहाँ कोई नहीं आता जाता. जी ये पुलिस का मामला है, मैं दखल अंदाजी मत करो. चुपचाप बताओ कहाँ है बेसमेंट. ओ मैंने कहा था ना आपसे कुछ नहीं है यार, कबाड़ा है. चलो चलो वापस चलो. ये हमें चेक करना है आपके लिए. दिखाइए. उधर देखो. बिल्ली बोलदार. चलो यहाँ कुछ नहीं. ओके यस थैंक यू. क्या हुआ? नहीं मिला वो. आई न्यू इट ना. वो वहां पर क्यों जाएगा? ही इज टू स्मार्ट यार. लेकिन छुपा तो किसी फैमिलियर जगह पे ही होगा ना मिस्टर कपूर. हाँ लेकिन पब्लिक जगह पे तो नहीं जाएगा ना. वहां पे तो डेफिनेटली पकड़ा जाएगा. आई टेल यू समथिंग, आयशा ही अब हमें उसका पता बता सकती है. एक बात तो छोटी और सोनिया घर. वो लोग शायद सौदामिनी के घर जा रहे हैं. नताशा का फोन आया था. सौदामिनी आयशा की फ्रेंड है और बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो सिद्ध की हेल्प करे. तो अगर ऐसी बात है तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए ना. नहीं नहीं वेट ना, कम से कम कॉन्फर्मेशन तो मिल जाए कि वो वहाँ है. मैं ऐसा करती हूँ, मैं उन दोनों को जाकर ज्वाइन करती हूँ और जैसे कुछ पता चलेगा आई विल कॉल यू गाइस और फिर तुम लोग पुलिस को बता देना. हाँ बी केयरफुल. या मैं उसके घर जा चुकी हूँ ना इसलिए जा रही हूँ. फोन करते रहो प्लीज. यू गाइस गो ऑन. सौदामिनी वहाँ पहुँच गया ना ठीक से? हाँ पहुँच गया. है कहाँ अभी? ओहो यही है. सौदामिनी मुझे बहुत टेंशन हो रही है, तुम संभाल लोगी ना? आयशा ट्रस्ट मी ना. और वैसे भी तुझे पता ही है कि मैं कितनी स्मार्ट हूँ. या आई नो तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन जब मामा जी तुम्हारे साथ होते हैं ना तो दुनिया की सारी बेवकूफियाँ तुम ही करती हो. मैन लाइक दैट. उनके सामने जितना डम बिहेव करो ना उतना ही ज्यादा पैम्पर करते हैं. लिसन अगर कोई भी किसी भी तरह की गड़बड़ हो तो तुम इमीडिएटली मुझे इन्फॉर्म करूंगी. गॉट इट? ओके ओके. अच्छा सुन मैं रखती हूँ. कोई आया है? कोई आया है? सौदामिनी इस टाइम कौन आएगा? रुक मैं देखती हूँ. सौदामिनी? हाँ हाँ देख रही हूँ ना, रुक. ओह माय गॉड मैं तुझे वापस फोन करती हूँ. बताओ तो कौन है? आए. हाय
आप सब लोग इतनी रात को यहाँ? हाँ वो बहुत अर्जेंट काम है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? हम अंदर आके बताते हैं। नहीं नहीं, यहीं से बताइए ना। हाँ वो बाहर बहुत गर्मी है ना, तो क्यों किसी को ढूंढ रहे हो आप? नहीं हाँ हम मतलब कोई जो हमें पानी दे पाए, बिकॉज इट्स सो हॉट, कोई तो होगा ना घर में पानी। हाँ पानी, एक सेकंड शंभू, इन सब लोगों के लिए पानी ले आओ। हम अंदर आकर पी लेते हैं। रुकिए ना, बस ला ही रहा है वो। अब कुछ काम था क्या? हाँ वो ड्रेस, वो तुमने आज मेरे बुटीक से ड्रेस खरीदा था ना? हाँ तो हमने पे कर दिया था। हाँ आई नो, क्या है ना उस ड्रेस, वो एक ही पीस था मेरे पास और मैंने उसका डिजाइन सेव नहीं किया, तो मुझे वो ड्रेस चाहिए। सॉरी अब वो मेरी हो चुकी है और मैं वापस नहीं देने वाली हूँ। अरे वापस किसी को नहीं चाहिए, हमें बस एक सेकंड के लिए बोरो करनी, फोटो खींचने के लिए। हाँ, फोटो के लिए। अभी मैं नहीं दे सकती। अरे प्लीज, सिर्फ 5 मिनट का काम है, प्लीज वन फोटो। इन्हें यही पे पानी दो, मैं आती हूँ। अरे भाई साहब, यहाँ पे अंदर और कौन है? घर में कौन कौन रहता है? अकेली रहती है मैडम, या कोई है इनके साथ? कोई आया रिसेंटली? कोई लड़का? बता दो ना, बता दो प्लीज। एक्सक्यूज मी शंभू, तुम अंदर जाओ। आप लोग मेरे शंभू से क्या पूछ रहे थे? वो इतना शांत है तुम्हारा घर, हमारे घर में तो 24 घंटे शोर रहता है। यहाँ लाइट नहीं आ रहा, बहुत शैडो है। अंदर अच्छी लाइट आ रही है। क्या कर रहे हो, बस करो ना, अभी हो गया। अरे इस एंगल से ना, देखिए मुझे सोना भी है, आप जाइए। अब अरे इस एंगल से ना, पूरा इस लाइट में। एक्चुअली सदा में नहीं, तुम पहन के दिखा दो तो बेटर होगा। पानी खुश बेटा, आप क्या क्या कर रहे हो? मम्मा ने मुझे रात को यहाँ भेजा है। क्यों बेटा, मम्मा ने ऐसा क्यों बोला? वो कहाँ है? घर पे। आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी मम्मा ने मुझे बोला था कि घर पे टीवी खराब हो गया, तो यहाँ आके देख लो। अच्छा खुश, अब आप जाओ अंदर जाके सो जाओ, ठीक है? मैं आपके लिए पानी भिजवाती हूँ। जाओ जाओ जाओ, हो गया ना? दीजिए। थैंक्स, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू। तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? कैसे नींद आएगी मिस्टर कपूर? वो सिद्धांत, मिस्टर कपूर आई डोंट बिलीव दिस, कि इतनी मुश्किल से इतने सालों के बाद वो हाथ लगा था और आपने सुना पुलिस ने क्या कहा? जानता हूँ, सब जानता हूँ, लेकिन प्रिया देखो वो जहाँ भी छुपा हुआ है आखिर कब तक छुपेगा? कभी ना कभी तो बाहर आना पड़ेगा उसे, फिर वो पकड़ा जाएगा। कब मिस्टर कपूर? और 5 साल बाद। आप भूल गए 5 साल उसकी वजह से हमने कितना कुछ झेला है, अब और नहीं झेल सकती मैं, और 5 साल का इंतजार नहीं कर सकती, नहीं है मुझमें इतनी हिम्मत। हिम्मत रखो, वी हैव टू बी पॉजिटिव एंड वी हैव टू बी टुगेदर। नहीं मिस्टर कपूर, जब तक सिद्धांत पकड़ा नहीं जाता मैं अब आप समझते क्यों नहीं है, वो आदमी कुछ भी कर सकता है, मुझे डर लगता है उससे। ओके ओके लिसन, मैं वादा करता हूं तुमसे, आई प्रॉमिस यू, जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा, जेल के पीछे नहीं जाएगा, आई विल नॉट गिव अप। और इस बार मैं किसी को बीच में नहीं आने दूंगा, ना आयशा को, ना मामा जी को, ना खुद अपने आप के इमोशंस को। जस्ट ट्राई एंड रिलैक्स, मैं भी उतना ही परेशान हूं, यू हैव टू ट्राई एंड रिलैक्स। ओके
हाँ बेटा, ये आपके लिए अंकल। थैंक यू। क्या ये? खोल के तो देखो। पराठे? आपकी मामा पराठे बहुत अच्छे बनाती हैं। हाँ। पापा को भी पसंद है ना? मुझे होगी? नहीं, आप खा लो। वैसे आयशा मानना पड़े, ये मामा जी का दिमाग ना थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन बड़े काम का है। मेरे छुपने के लिए क्या जगह ढूंढ निकाली इन्होंने। हमारी बहन ना सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं उन्हीं के वहां मेहमान बन के बैठा हूँ। और हाँ, मेहमान नवाजी बहुत अच्छी हो रही है। भाई गलती होगी, सॉरी, मुझे माफ कर दो ना। ये थप्पड़ बहुत साल पहले मार देना चाहिए था तुझे, बहुत साल पहले। शर्म आनी चाहिए तुम्हें सिद्धांत, जानवर भी उस इंसान का एहसान मानते हैं जो बुरे वक्त में उनका साथ देता है, लेकिन तुमने तो घटियापन की हर हद को पार कर दिया है। आई प्लीज जिम, शट अप, जस्ट शट अप। अगर तुझे अपने आप को बचाना है ना, तो तू सिर्फ वही करेगा जो मैं चाहता हूं, ओके? ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर कपूर, आप इसे बचाने की बात कर रहे हैं? प्रिया, जस्ट लिसन टू मी, मैं इसे पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूं और उसकी बेल करवा रहा हूं। अरे आपको हो क्या गया मिस्टर कपूर? ये वही आदमी है जिसकी वजह से उन मासूम बच्चों की जान गई थी, जिसकी वजह से मैं जेल गई थी, जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे से 5 साल तक दूर रहे, पीहू आपसे दूर रही। आप इसे बचाना चाहते हैं? लेकिन ये वही आदमी है जो मेरा भाई भी है प्रिया। मैं इसे एक और मौका देना चाहता हूँ। एवरीबॉडी डिजर्व्स अ सेकंड चांस। तो आप एक खूनी को एक मौका और देना चाहते हैं? आई एम बीइंग रियलिस्टिक मिस्टर कपूर, ये खूनी है और इसे सजा होनी चाहिए। कम ऑन प्रिया, डोंट बी सो ड्रामेटिक प्लीज। मैं इसे ले जा रहा हूँ, माय डिसीजन इज फाइनल प्रिया। आप पागल हो गए मिस्टर कपूर? हाँ मैं पागल हो गया, लेकिन मैं ले जा रहा हूँ उसको। जो करना है करो, चलो भाई, कम ऑन। व्हाट इज रॉन्ग विद यू मिस्टर? देख सर, मुझे अंदर तो जाना पड़ेगा, बट मैं तेरी बेल करवाने वाला हूँ, आई प्रॉमिस यू। जस्ट रिलैक्स, मैं इंस्पेक्टर से बात करूँ। इंस्पेक्टर, ये शराफत से अपनी मर्जी से आपके हवाले हो रहा है, ओके? 5 से 10 मिनट बाद मैं इसकी बेल करवाने वाला हूँ, सो जस्ट मेक श्योर एवरीथिंग इज ओके। तू जा, मैं हूँ, लेट्स गो। चलो ले चलो। बोल तो सही, ये चुप्पी मार के क्यों बैठी है? बोल ना, क्या बात? रिया, एक बात ध्यान से सुन लो, तो अपने भाई को बचाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, ओके? तो तुम इस मामले में मेरे से टकराना मत, आई वार्निंग यू। रियली, यू आर वार्निंग मी? क्या वार्निंग दे रहे आप? जरा मैं भी तो सुनो, क्या करेंगे आप बताइए ना, क्या करेंगे? आई विल लीव यू, छोड़ दूंगा मैं तुम्हें। आप मुझे छोड़ देंगे सिद्धांत के लिए? आप मुझे छोड़ देंगे? अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी करने के तैयार हूं मैं। डू नॉट टेस्ट मी। सुधीर जी, आप एक काम करिए, आप अपनी बेटी को वापस ले लीजिए। आई डोंट वांट एनीमोर। मैं जानता हूं कि मैं ही आया था आपके पास एक बार नहीं बल्कि 2 बार उसका हाथ मांगने। अब मैं ही कह रहा हूं कि मुझे उसका हाथ नहीं चाहिए। आई डोंट वांट दिस मैरिज, प्लीज जस्ट टेक अ बैक। आप ये क्या कह रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकता? She's destroying my family. So why can't I do this? राम, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? माँ प्लीज, प्रिया जो कर रही है मेरे साथ, उसके बाद मैं नहीं रहना चाहता उसके साथ। How dare you, Mr. Kapoor? आपके मुंह से ये बात निकली कैसे कि आप मुझे छोड़ना चाहते? कैसे निकली ये बात आपके मुंह से? I mean, I don't believe this. आप उस आदमी के लिए मुझे छोड़ना चाहते जिसकी वजह से हम एक दूसरे से 5 साल दूर रहे, जिसकी वजह से पीहू आपसे दूर है, उसके लिए आप मुझे छोड़ना चाहते हैं? मुंह से इसलिए नकली, बिकॉज आई फील इट। जो फील कर रहा हूं वही कह रहा हूं तुमसे। इसका मतलब आज आपके लिए मुझसे ज्यादा, अपनी पत्नी से ज्यादा आपका भाई इंपॉर्टेंट है? वाह मिस्टर कपूर, थैंक यू, लाइक रियली। मिस्टर राम, मिस्टर राम, ये क्या कह रहे हैं आप? आप दोनों लड़ क्यों रहे? प्लीज पहले शांत हो जाइए ना।
प्रिया बेटा, तुम तो समझदार है, तू ऐसे क्या बात कर। प्लीज आप बीच में मत बोलिए, ये पति पत्नी के बीच का मामला है, आप इससे बाहर ही रहिए। वॉच इट प्रिया, ये कोई तरीका है मेरी माँ से बात करने का? और आप मेरे पापा से कैसे भी बात कर सकते हैं? सर मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अपनी बेटी को समझाइए कि मेरी माँ से ये ऐसे बात नहीं कर सकते, ये कोई तमीज नहीं है। राम एक मिनट, आराम से, मैं बात करता हूँ उसे। यस प्लीज। एक मिनट प्रिया, प्रिया ये तू किस तरह से बात कर रही है बेटा? और कृष्णा जी से तुमने ऐसे बात तो कभी नहीं की, तू तो ऐसी कभी नहीं थी बेटा। और सुधीर जी इसे ये भी समझा दीजिए कि अब मैं नहीं रहने वाला उसके साथ। आई डू नॉट वांट टू लिव विद हर एनीमोर। हां तो ठीक है ना, मुझे भी नहीं रहना आपके साथ, और मैं आपके बिना रह सकती हूँ? ओके, 5 साल रही हूँ मैं। राम ये बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो? गुस्से में अगर कभी कुछ दो बातें निकल भी जाए तो इसका ये मतलब तो नहीं। और फिर प्रिया हमारी बहू है, मेरी बेटी जैसी है, तुम उससे इस तरह की बात नहीं कर सकती। नहीं माँ, ठीक ही कह रहे हैं वो, एक तरह से गलती मेरी है, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। आफ्टर ऑल मेरे माँ पापा ने मुझे ऐसे संस्कार थोड़ी दिए कि मैं बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करूं। आई एम रियली सॉरी माँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन ये माफी मैं आपसे मांग रही हूँ, मिस्टर कपूर से नहीं मांग रही हूँ माफी। इन्होंने जो आज मुझे छोड़ने की बात कही है ना, उसके लिए मैं इन्हें कभी माफ नहीं कर सकती। आप इनसे पूछिए ये सब मैं क्यों कर रही हूँ, इनके लिए ना, इनकी फैमिली के लिए। और मैंने इनसे कहा क्या था जो ये मुझसे इतने नाराज हो गए? यही ना कि सिद्ध का साथ मत दीजिए। क्या गलत कहा माँ मैंने, बोलिए। और बदले में इन्होंने क्या कहा? मेरे पापा से कह दिया कि अपनी बेटी वापस ले लो। ऐसे कोई बेटी वापस लेता है क्या माँ? इनफ, मैंने भी बहुत सहा है आपके साथ मिस्टर कपूर, आपके हर सुख दुख में आपका साथ दिया है, बल्कि दुख में ही ज्यादा दिया है, शायद आप भूल गए। लेकिन अब मैं और साथ नहीं दे सकती। अगर आप चाहते हैं ना कि मैं आपके साथ नहीं रहूं, तो नहीं रहूंगी। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, मैं और पीहू फिर से आपके बिना जीने की आदत डाल देंगे? व्हाट्स द बिग डील? कोई एहसान नहीं किया था तुमने, वही किया था जो हर पत्नी करती है। यू नो मिस्टर कपूर, ये आप नहीं, आपका भाई बोल रहा है। आई डोंट बिलीव दिस कि उसका आप पर इतना असर हो गया है कि आप उसी के लेवल तक गिर गए। यू नो वॉट मिस्टर कपूर, यू गाइज डिजर्व ईच अदर। ये जो भाई का प्यार जगा है ना, बहुत अच्छा हुआ, मेरी भी आंखें खुल गई। गलती मेरी थी जो आज तक मैं आपके और अपने रिश्तों को बराबर समझ रही थी। लेकिन आप सिर्फ एक पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं, आपके लिए आज भी सिर्फ आपके रिश्ते मायने रखते हैं, दूसरे रिश्ते नहीं। लेकिन मैंने सब कुछ सैक्रिफाइस किया आपके लिए, आपके रिश्तों के लिए, बट आई वॉज रॉन्ग। बट इनफ मिस्टर कपूर, अब ये सब कुछ मैं और नहीं करूंगी। क्या लगता है सब यकीन कर रहे हैं? हाँ लगता तो है। What's going on? माँ सॉरी, वेरी सॉरी, वो मैंने आपसे इतनी बुरी तरह से बात की। वो आप बैठिए। अरे बैठिए ना, बताती हूँ, बैठिए। आप बताइए ना। I'm also really sorry everyone. Actually, ये सब सिर्फ हमारा प्लान था। ये कैसा नाटक कर रहे थे? आप दोनों ने तो हमें डरा ही दिया था। मैं समझाता हूँ सुधीर जी, आप जरा एक मिनट। राम ये सब क्या, मुझे तो कुछ। मैं तीसरी बार आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ आपसे। I promise you कभी जिंदगी में उसको छोड़ने नहीं वाला। यार तुम दोनों सच में, देखो अब मुझे एक ड्रिंक लगेगी। हाँ जरूर लगेगी, इनफैक्ट मैं भी आपके साथ पीऊंगा, लेकिन पहले आगे की कहानी तो सुन लीजिए। समझाइए ना क्या है, और इससे सिटका क्या लेना देना। एक्चुअली इस बार हम सिद्धांत के दिमाग से सोचने की कोशिश कर रहे थे। हाँ दुश्मन को हराने के लिए दुश्मन की सोच समझना जरूरी होता है। ये प्लान तब बना जब हमें ये रियलाइज हुआ कि हम दोनों को
या हम दोनों की फैमिलीज को कोई भी तब तोड़ पाया है या कोई भी रिफ्ट तब क्रिएट कर पाया है जब हमारे आपस में कोई दरारें थी। इसलिए हमने सोचा कि इस बार आप समझाइए ना। और अब मैं बिल्कुल वही करूंगा जिसकी वजह से सिड मुझ पर फिर से भरोसा करने लगे। He has to start trusting me again completely. उसके बाद once and for all मैं ये सब कुछ खत्म करने वाला हूं। And I promise you, जो कुछ हम सब ने खोया है वो सब कुछ हमें वापस मिलेगा। बिल्कुल, मेरी फैमिली, मेरी दादी, मेरी माँ, जो कुछ भी इनका हक है वो सब कुछ इन्हें वापस मिलेगा। अब मैं जो कुछ करूंगा सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली के लिए करूंगा। और मैं जो कुछ भी करूंगी अपनी इस फैमिली के लिए करूंगी। देखा जाए तो इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं, बट फिर भी मेरे पास सब कुछ है। मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरे परिवार। और हम सब आपके साथ हैं मिस्टर कपूर। प्रिया, सॉरी। किस लिए? तुम्हें छोड़ने की बात की इसलिए। हाँ, लेकिन वो तो मजाक में की ना। चाहे मजाक में या गुस्से में, बात तो की ना, अच्छा नहीं लगा। हाँ आई नो, लेकिन किसी पर्पस के लिए कही ना, सो इट्स ओके। वैसे एक बात कहूँ, पता नहीं क्यों तुमसे झगड़ा करने में अभी भी बहुत अच्छा लगता। वो क्या है ना मिस्टर कपूर, कि हमारी शादी को 5 साल से ऊपर हो चुके हैं और इतने सालों के बाद कपल्स को लड़ने में मजा ही आता है। अब जाइए भी और जाकर जल्दी से अपने प्लान को एक्शन में बदलिए और जल्दी वापस आ जाइए, थोड़ा और लड़ना है आपसे। हाँ हाँ, जा रहा हूँ भाई। बेस्ट ऑफ लक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.